नमस्कार सशगल आदाब हेलो है केम छो वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सड्डा। और यहां पर मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर के, जो बेसिकली एसएससी जेई और जेके एसएसबी को अब कैटर करने वाली है। गाइज आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां पर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है। नए पैटर्न के क्वेश्चन कहने का मतलब जो रिसेंटली एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जाने हैं और जो पूछे गए हैं, राइट, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं इस 250 क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, राइट? क्योंकि मेरा एक ऐसा मानना है, मे बी शायद आप लोग भी इस चीज को मानोगे, कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं और जिनको लगता है कि यार ये स्टूडेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं देन आई बिलीव कि आप सभी लोगों को यहाँ पर उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारे पास एक बहुत अच्छा बंच आए, राइट? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज बहुत ठंडी है, कोई बात नहीं अंशित मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद ये ठंड भी गुजर जाएगी, बीत जाएगी, राइट? गाइज आप सभी से दरख्वास्त है, शुरू करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को शेयर भी कर दीजिए। वैसे तीन काम ज्यादा बोल दिए लेकिन तुम सब तो हमारे सुरमाज हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? है ना, तुम सब मुन्ना भाई हो, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, राइट? तो सब लोग भाई साहब लगे रहो, है ना। थैंक यू सो मच आशिक मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड जस्ट सी द मैजिक, राइट? अब आगे बढ़ेंगे तो आज का जो मोटिवेशन है वो क्या कह रहा है, दैट नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव हैप्पीनेस, बैड डेज गिव एक्सपीरियंस, वर्स्ट डेज गिव लेसंस एंड द बेस्ट डेज गिव मेमोरीज। मतलब कोई भी दिन तुम्हारे यहाँ का कुछ भी खराब नहीं है। कई बार कहते हैं ना, सर अभी मेरे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, अभी मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। भाई अच्छा टाइम ना चले कोई बात नहीं, तुम्हें चलते रहना है, ये वाली चीज हमेशा याद रखना। सर महाजन को कि रिवीजन कैसे करूं, अनुराग उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके। अरे सर ने एक बार बोल दिया सब, चांद साहब, चांद साहब, तो क्या दिक्कत है चांद साहब, देखो आप फेमस हो गए हो, हाँ ठीक है। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आज से ये जो आपका 2.0 बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, राइट, एसएससी जेई का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया है, आई विल से कि अगर एसएससी जेई की पूरी फाउंडेशन की क्लास बिल्कुल शुरू से करना चाहते हो तो आज से बैच स्टार्ट हो चुका है। यू कैन गो एंड इनरोल इन द बैच, राइट? अलॉन्ग विद दैट आरआरबी जेई के, सॉरी एसएससी जेई के बाद ये जो जेके एसएसबी जेई का बैच दिख रहा है इसमें मैंने आज से स्टार्ट करा है आईसी इंजन। और आईसी इंजन के सेशन में भाई साहब जो मजे आ रहे हैं ना, मतलब जबरदस्त वाला, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से लेकर के हर चीज। तो गाइज अगर आप लोगों को आईसी इंजन पढ़नी है स्टार्ट से तो आप जेके एसएसबी वाले बैच में जा सकते हो, एसएससी जेई वाला बैच है, ये सारे बैच है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर मुझे एक ऐसा बैच चाहिए जहां पर मैं सारी क्लासेस ले सकूं, तो गाइज आप ले सकते हो ये वाला बैच, राइट? इसमें आपको मैकेनिकल महापैक में सब कुछ मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट बता दूं कि मतलब लकीली आज भी आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है जहां पर वैलिडिटी ऑफ होने वाली है। तो डबल वैलिडिटी वाला जो फीचर है उसको अवेल कर लो, यूज करो Y166 कोड और जा करके खुद को एनरोल करो। और गाइज अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है, सिंगल स्टेज पिस्टन कंप्रेसर आर यूज टू कंप्रेस द एयर अप टू द प्रेशर अप्रोक्सीमेटली एट वॉट प्रेशर इन यूनिट ऑफ बार, राइट? ओके सर कैन आई क्रैक एसएससी जेई इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस मंजू, यू कैन क्रैक द एसएससी जेई, बट फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर शेड्यूल, यू नीड अ प्रॉपर कॉन्टेंट एंड यू नीड अ प्रॉपर फाउंडेशन फॉर दैट, राइट? तो अगर आप लोगों को सारी चीजें जब आप एक साथ अलाइन करते हो तब जा करके आप लोगों को किसी भी एग्जामिनेशन में पहले समय पे ही सफलता मिलेगी। लेकिन गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मानते नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को फील भी करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है किसी भी एग्जामिनेशन में, देन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। कहने का मतलब कि दूसरे ने जो गलतियां करी है वो गलती तुम मत करो, और दूसरों की गलतियों से सीखोगे ना तो तुम जल्दी सक्सेसफुल होगे, राइट? हाय साहिल, आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, 50 बार और 5 बार, राइट? 5 बार का प्रेशर बहुत कम लग रहा है, 50 बार सर बहुत सही दिख रहा है, राइट? हाय दीपक, राइट? तो गाइस यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 50 बार इज रॉन्ग आंसर,
राइट, घनघोर गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्टेज पिस्टन कंप्रेसर है यार। 5 bar का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 5 bar के प्रेशर को जानते हो तुम लोग कितना लिखते हो? 500 kilopascal। राइट, इट इज नॉट ओनली 5 bar प्रेशर, इट इज 500 kilopascal प्रेशर। और 500 kilopascal की वैल्यू समझते हो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट डैश इज अ टाइप ऑफ एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग के काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, राइट? इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और उसके बाद आंसर दिए। आप लोग जो वो कुकर यूज करते हो ना, जिसमें खाना बनता है, दाल बनती है, चावल बनता है, वो कुकर, उस कुकर का प्रेशर आप लोग जानते हो जनरली वो कुकर कितने प्रेशर पे होता है? सेशन अच्छा लगे यार, शेयर करते रहना गुलाबी दिल के साथ। सेशन शेयर करना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, राइट? उसका प्रेशर, कुकर का प्रेशर जानते हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोस्टैटिक। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सी और डी में कंफ्यूजन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सी और डी में कंफ्यूजन है, दैट इज नाइस, ग्रेट, ओके। तो गाइज, इसमें से हाइग्रोस्टैटिक बियरिंग के बारे में आप लोग क्यों गलत बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली में गाइज, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग कौन सी होती है, एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग होती है जिसमें बॉल बियरिंग्स होती हैं। बॉल बियरिंग आर एक्चुअली एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बॉल बियरिंग्स है नहीं, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाइग्रोस्टैटिक बियरिंग पे लगा देते हैं। हाइग्रोस्टैटिक बियरिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज नीडल बियरिंग। नीडल में अगर आप देखो तो नीडल इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, राइट? अगर सिलेंडर में देखते हो तो तुम्हें लाइन कॉन्टेक्ट मिलेगा सर्फेस के साथ, है ना? और अगर तुम लोग बॉल बियरिंग देखते हो तो उसमें तुम्हें पॉइंट कॉन्टेक्ट मिलता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट में फ्रिक्शन और भी कम हो जाता है। और अगर तुम नीडल के बारे में बात करोगे, उसमें फ्रिक्शन तो आएगा लेकिन पॉइंट के बाद लाइन कॉन्टेक्ट है, दैट इज ऑल्सो हायर पेयर, और उसमें आप लोगों का जो फ्रिक्शन है थोड़ा सा, मतलब नॉट एज कंपेयर टू बॉल बेयरिंग होता है, लेकिन बॉल बेयरिंग से थोड़ा सा कम में फ्रिक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग इसे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग एक बार कह देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग के बारे में समझ लो, जो मशीन्स बहुत हैवी लोड उठाती हैं, राइट, बहुत ज्यादा हैवी लोड उठाती हैं, हैवी लोड उठाने के लिए हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग का यूज किया जाता है। वेरी हैवी लोड्स के लिए आप लोग हाइड्रोस्टैटिक का यूज करते हैं, राइट? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ अ हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर। गाइज, हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, जितने भी आरएसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको याद होना चाहिए, मैंने बताया था हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का यूज कहाँ होता है। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए। What will be the answer for this question? Hermetic sealed compressor. Compressor तो भाई साहब आपको पता है refrigeration में use होता है, और अगर compressor refrigeration में use होता है then you know कि भाई उसमें hermetic sealed क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसमें refrigerant के leakage होने की problem नहीं होती है, right? इसलिए हम लोग इसका use करते हैं। इसका correct answer option number A होगा। जितने भी लोग कुछ दूसरे answer दे रहे हैं, answer गलत हो जाएगा। The next question on the screen, it is saying that if the back pressure is low enough and the throat is sonic, then the Mach number is more than 1 in a an dash section during the flow in a convergent divergent nozzle. What will be the answer for this question? A के साथ जाना चाहूंगा जरूर, कंप्यूटर जी ने ए पर ताला लगाया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, एंक्री के साथ आप जाना चाहेंगे राज, रवि राज जी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जरूर आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। और गाइज एक बात याद रखिएगा, जब तक सिलेक्शन होगा नहीं तब तक थकना मत, रुकना मत, हमेशा चलते रहना, मेहनत करते रहना, स्केड्यूल बनाते हुए चलना। जस्ट बिलीव मी, अगर तुम्हारी मेहनत तुम्हारे एम से ज्यादा बड़ी हो गई ना, उस दिन तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि हम लोग सिलेक्शन के लिए सोचते तो हैं लेकिन उतनी मेहनत ही नहीं करते, हमसे ज्यादा मेहनत कोई दूसरा कर जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, अखिलेश और सबस्ट्रक्चर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, डी पर ताला लगाया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा देते हैं, और डी पर ताला लगाने के बाद आप सभी लोगों को बोल दो 7 crore, राइट? ऑप्शन नंबर डी इज डाइवर्जिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अगर बैक प्रेशर लो है, ठीक है, एंड थ्रोट इज सोनिक, ये सोनिक है, राइट? तो इन्होंने क्या बोला, मैक नंबर इज मोर देन 1, ये क्या हो गया, सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक के केस में आप लोगों को यही वाला पोर्शन मिलेगा, राइट? ये तो सबसोनिक हो गया, लिखा हुआ है, देखो ना, ये सुपरसोनिक,
राइट, ये सबसोनिक और ये क्या आपका थ्रोट, जिसे हम सोनिक बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डाइवर्जिंग होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट इनटेक एयर फिल्टर्स आर प्रोवाइडेड इन कंप्रेसर्स प्राइमरली टू डैश फ्रॉम द सक्शन एयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम सही जवाब, जीत चुके हैं 7 करोड़। यस बिल्कुल, लेकिन वो पैसे मिलेंगे जब आप सिलेक्शन ले लोगे सरकारी नौकरी के बाद। ठीक है, चलो मजा आया। ओके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। एक कहानी सुनाना चाहता हूं तुमको मैं, ठीक है, उस कहानी से कुछ सीखना। क्या होता है, एक करोड़पति इंसान होता है, ठीक है, एक करोड़पति इंसान होता है और उसका एक लड़का होता है, छोटा सा लड़का, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 साल का है ना, अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। तो वो रहता है, तो वहाँ पर बगल में एक किराने की दुकान होती है ना, तो किराने की दुकान में एक अंकल खड़े होते हैं। अंकल से कहते हैं, अंकल आपको पता है ये जो लड़का है ना एक नंबर का गधा है, करोड़पति का लड़का है, सोचो एक नंबर का गधा है, राइट। तो वो कहते हैं, क्यों ऐसे कैसे बोल रहे हो यार तुम, ये तो बड़ी बदतमीजी वाली बात है। कह रहे अरे देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो वो क्या करता है, एक हाथ में 100 की नोट रखता है और एक हाथ में 10 की नोट रखता है और जा करके बच्चे से कहता है, बेटा इनमें से कोई एक चूज कर लो। एक हाथ में 100 की नोट, एक हाथ में 10 की नोट। बच्चा बहुत सोचता है, सोचता है, फिर उसके बाद 10 रुपये उठाता है, चला जाता है, कहता है, देख लिए साहब कितना कैसा कितना बेवकूफ़ बच्चा है, 10 रुपये उठा रहा है, 100 की नोट की कोई वो ही नहीं है उसको, राइट। चला जाता है लड़का। फिर उसके बाद वो अंकल जाते हैं पीछे पीछे उन्हीं के पास, राइट, उसी बच्चे से कहते हैं, बेटा आपने 10 रुपये क्यों उठाए। कहता है, अंकल मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये गेम खेल करके, पता है पिछले 3 महीने से ये गेम चल रहा है, राइट। ओके, अब जिसको समझ आ गया 3 महीने से गेम चल रहा है इसका मतलब क्या है, और अगर नहीं आया तो फिर बताओ क्या होगा, राइट। दिलीप वही है ना, आप दोनों ले लेते, वो गेम पिछले 3 महीने से चल रहा था, हिसाब लगा लो, पता चल जाएगा करोड़पति का बेटा क्यों है। देखो भैया लिखा हुआ है एयर फिल्टर्स, एयर फिल्टर का काम क्या है, तुम्हारे फेस में जो मास्क लगाते थे कोरोना के टाइम पे उसका काम क्या था, उसका काम सिर्फ ये था कि तुम्हारी जितनी भी डर्ट पार्टिकल्स हैं, जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो अंदर ना आए, राइट, मॉइस्चर वॉइस्चर रोकने के काम में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी पर ताला लगाइएगा, राइट, समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। रजत सैनी जी कह रहे हैं कि करोड़पति ही क्यों बोलते हैं सभी, करोड़पत्नी क्यों नहीं बोलते हैं, राइट। ओके बहुत बढ़िया, क्या सही बात है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाइल रनिंग थ्रू अ बेंड साइकिल रिमेन्स स्टेबल ड्यू टू, राइट, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। अब सुनो गाइस, ये जो पति वर्ड है ना, पति, राइट, पति का मतलब ये थोड़ी ना है कि हस्बैंड होता है सिर्फ, पति का एक और मतलब है जिसे हम कहते हैं धारण करने वाला, राइट, जिसके पास वो चीज होती है ना उसको हम लोग पति बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तिरुपति, तिरुमाला के जो राजा हैं, जिसका जिनके नाम से तिरुमाला चलता है वो है तिरुपति जी, राइट, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, है ना। इसी तरीके से करोड़पति मतलब जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो करोड़पति, वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, उसको ही करोड़पति बोलेंगे, राइट, समझ रहे हो, इट्स नॉट लाइक करोड़पत्नी, इट्स करोड़पति, अधिपति, क्या बात है, बहुत बढ़िया, राइट। राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति मतलब जिसका ये पूरा का पूरा राष्ट्र है, ठीक है, तो ऐसे सुनो ऐसे समझो, पति मतलब हस्बैंड बस नहीं होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है। आप सभी लोगों को बता दूं इसका आंसर होगा गायरोस्कोपिक एक्शन। देखो जब भी कभी तुम लोग यहां पर देखोगे कि जब भी कभी तुम गाड़ी चलाते हो या बाइसिकल चलाते हो, बेसिकली बाइसिकल में तुम्हें समझ में आएगा, राइट, हाँ बाइसिकल में तुम्हें क्या समझ आएगा कि तुम बाइक साइकिल चला रहे हो और साइकिल को तुम्हें मोड़ना है, तो साइकिल ऐसे नहीं मुड़ेगी, साइकिल ऐसे मुड़ती है, मोटरसाइकिल ऐसे मुड़ती है, वो जो तुम ऐसे
मुड़ते हो तो एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है, एक डायरेक्शन ऐसे जा रही है, और उसके बीच का जो तुम्हें मिलेगा कपल, दैट इज गायरोस्कोपिक कपल, और उस एक्शन को हम गायरोस्कोपिक एक्शन बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर डी वालों, रिएक्शन एक्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ वेंचुरी मीटर इज जनरली, भाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर कितना होता है, बताइए बताइए जल्दी बताओ। कहीं अखिलेश इससे क्या फर्क पड़ता है, डीआरडी को रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं? एक महीना रजत जी, एक महीना, एक महीना तो मान के चलो। ओके, इसका आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, नाइस, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बेसिकली, राइट। वेंचुरी मीटर आप जानते हो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, राइट, इट इज द बेस्ट डिवाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द पार्ट ऑफ द वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज, क्या सही क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में एक ऐसा पार्ट जो रेफ्रिजरेशन को फील कराता है रेफ्रिजरेशन में, वो क्या है? कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी पे ताला लगाने के लिए बोला जा रहा है मेरे सुरमाज, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखोगे तो कैसे चलेगा भैया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में ऑप्शन नंबर सी कैसे चलेगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, अब बदल गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन नंबर ए पर आ गए, वेरी गुड। तो गाइज यहां पर याद रखिएगा, कंप्रेसर में क्या होता है, वर्क इनपुट होता है, राइट। अगर इवेपोरेटर में बात करूं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है, और थ्रॉटल वॉल्व में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्योर सब्सटेंस एट द ट्रिपल पॉइंट इज, ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी प्योर सब्सटेंस की कितनी होती है, वन, वन पर ताला लगा दूं, ए के साथ जाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट, वन पे ताला लगा दूं मेरे सुरमास, जल्दी बताओ। और जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों को सेशन को लाइक भी करना है ना, भूलिएगा नहीं, लाइक करते हुए जाइएगा। सर आपने ताजा खबर देखी है? हाँ, डेली सुबह पेपर में ताजा खबर ही आती है यार, वही देखी है और तो नहीं देखा है, राइट। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा, बी, बी बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी बताया किसी ने, हाँ राजकुमार जी कह रहे हैं बी होगा, ओके, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। चलो मैं आप सभी लोगों को बता दूं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा करके लिख दीजिएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे आप लोगों को, मतलब किसी भी प्योर सब्सटेंस पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वेपर पे अगर देखा जाए तो आप लोगों का सॉलिड भी अवेलेबल होता है, लिक्विड भी अवेलेबल होता है, और गैस भी अवेलेबल होती है। कोई भी मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैस में मिलता है, तीनों अवेलेबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस चीज को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ गिब्स फेज रूल से, अगर कोई चाहेगा तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा। सर सीजीएल मेंस पास है, एसएससी जेई थोड़ी दूर है, ज्यादा टाइम कहां दूं, कंफ्यूज हो। सीजीएल प्री निकल गया है रजत आपका? अगर सीजीएल प्री निकल गया है तो मुझे बताओ। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश एमएम ऑफ एचजी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आज ही मैंने दिया है, अगर स्टूडेंट्स को याद हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आज ही मैंने दिया है, क्या याद है, क्या याद है? नहीं शुभम, वो तो नहीं देखा, आज ही मैंने इसका आंसर दिया है। पेड बैच में थर्मो की क्लास में जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे, उस समय जब मैंने क्रिटिकल प्रेशर बताया था, राइट, उस समय मैंने इसका आंसर बताया था, आप सभी को याद होना चाहिए, याद है, और लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आया है, तो गुलाबी दिल जरूर दिखाना, राइट। इसका करेक्ट आंसर गाइज हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4.58 mm of Hg, right? अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं guys, pressure at triple point कितना होता है? That is 611 kilopascal, यही होता है 611 kilopascal, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 611 kilopascal, जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ बोलो, हाँ, हाँ बोलो, थैंक यू सो मच फॉर द गुलाबी दिल, 611 kilopascal, हाँ बोलो, जल्दी बोलो यार, कितना टाइम लगा रहे हो, हाँ बोलो,
बोल ही नहीं रहे यार। गुलाबी दिल तो दिखा दिए, थैंक यू सो मच फॉर गुलाबी दिल। हाँ, वेरी गुड रवि, वेरी गुड, राइट, हाँ वेरी गुड। ऐसे करके काट देना, राइट। 611 पास्कल होता है मेरे लाल, किलो पास्कल नहीं होता। तुम एक बात बताओ 611 किलो पास्कल, 101, 101 किलो पास्कल में तुम्हारा एक बार का प्रेशर हो जाता है और तुम 611 किलो पास्कल कर दोगे। 611 पास्कल होता है, इसको नियर बाई तुम 600 बोल सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब तुम्हें पता है प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, रो इंटू जी इंटू एच, राइट। प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 611, रो की वैल्यू 13,600, जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं इंटू एच, राइट। अब तुम इसको सॉल्व करो, जब तुम सॉल्व करोगे 611 डिवाइडेड बाई 13,600 गुणे 10, राइट। अब जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हें यहां से क्या दिखाई देगा, 13 का पहाड़ा आता सभी को, 13 की टेबल आती है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52। मतलब इसको मैं अगर 4 टाइम्स करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे वैल्यू इसके करीबन मिलेगी, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो 4 के करीबन करूंगा तो 4 में मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी पे ताला लगाओ, आगे बढ़ जाओ। स्क्रीन कट हो रहा है, कौन सी स्क्रीन कट हो रही है भाई? अच्छा, ये वायर आ रही है, ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, राइट, ओके, कुछ आ रहा है कैमरे में, वायर आ रही थी। सर आप हाँ बोलो, हाँ हमने हाँ बोल दिया, ये तो चीटिंग है ना ये तो चीटिंग है, ठीक है, ओके, रिजल्ट पेंडिंग है, ओके। देन रजत, मेक इट 60-40, अभी 60% आप दे दो इसको सीजीएल मेंस को, लेकिन 40% प्री को देते रहना एसएससीजेई के, ठीक है, उसको मत छोड़ना, क्योंकि आगे तुम्हारा जो कोर है वो टेक्निकल ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नोन एज सब कूलिंग इज डन बिफोर, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से जल्दी सभी लोग बताएंगे। और गाइज मैं डेली अब आप लोगों के लिए रात को 8 बजे सेशन लेकर के आ रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को, हर किसी को बता दो कि भैया रात के डेली 8 बजे सेशन होगा, पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल कराऊंगा क्वेश्चन की, एक एक पीडीएफ मिल जाएंगी आप लोगों को, हर चीज मिल जाएगी आप लोगों को, बस आना है, सेशन लेना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी अभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में बता देंगे, राइट, टेलीग्राम में कहाँ पर मिलती है पीडीएफ, ओके। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सी बी सी सी सी, ओके। कहा जा रहा है कंप्रेशन में नहीं, थ्रॉटलिंग में, थ्रॉटलिंग पे ताला लगाना और ताला लगा के लिख देना घनघोर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भैया देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये सब कूलिंग कहाँ होगा, कहाँ पर होगा आप लोगों का, द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग द रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूनेस सब कूलिंग इज डन बिफोर थ्रॉटलिंग, राइट। फॉलोइंग जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये राइट, ये हम लोगों ने सब कूलिंग किया, फिर उसके बाद थ्रॉटलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, और सब कूलिंग करने से क्या होता है, आप लोगों का जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग दैट डैश कैन नॉट बी काउंटेड एज अ बॉयलर माउंटिंग, कह रहा है इनमें से किसको हम बॉयलर की माउंटिंग नहीं बोलेंगे, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए। फ्री एक्सपेंशन आता है सर DRDO में, आपका एग्जाम्पल याद आया था तुरंत से, अरे वाह क्या बात है रजत, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर सेलेक्ट मतलब करेक्ट करके आए हो ना फिर, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजिबल प्लग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे ताला लगा दूं, राइट, ओके। गाइस चलो इस क्वेश्चन के पहले आप सभी लोगों से एक बात करनी है, वो बात ये करनी है कि मुझे पता चला है कि आप लोगों को कोई तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में हो तुम लोग, दर्द तुम लोगों के अंगूठे में हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द है कि जो लाइक की बटन है उसको दबाने से पहले ही मतलब बिल्कुल रोने होने लग जाओगे, इतना दर्द है, हैं? नहीं है ना, तो मेरे कंजूसों लाइक की बटन दबाने में तुम्हें इतना आलस क्यों आता है, हैं? चुपचाप से लाइक कर दिया करो सेशन को, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर फीड वाटर पंप, फीड वाटर पंप इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग यार,
कैसी बातें कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होती है। सिंपल सा फंडा है, आइडियल फ्लूइड के लिए जो विस्कोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट इन अ लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन साइकिल डैश इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। अब लिथियम ब्रोमाइड में जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, और लिथियम ब्रोमाइड आप लोगों का क्या होता है, एज एन एब्जॉर्बेंट हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है यू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल इन डैश फॉर प्रेशर मेजरमेंट। कह रहा है यू टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन प्रेशर मेजरमेंट में कहां यूज होता है। भाई मैनोमीटर सुने हो, यू ट्यूब मैनोमीटर। अब यू ट्यूब मैनोमीटर का मतलब ये थोड़ी ना कि मैनोमीटर जिसमें तुम लोगों के शिवम सर के सेशन चलेंगे। यू ट्यूब मैनोमीटर मतलब मैनोमीटर जिसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसका शेप आप लोगों का क्या होता है, यू शेप का होता है। राइट सर, प्रेशर कुकर में कितने बार का प्रेशर होता है, तीन बार का, 3, 1, 2, 3, राइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट डैश बॉयलर इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ओए होए 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 होए, क्या क्वेश्चन पूछा है, आग लगा दी भाई क्वेश्चन ने। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कौन से बॉयलर में नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द वाटर होता है बाय नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू किस बॉयलर में आप लोगों को वाटर का सर्कुलेशन दिखाई देता है, नेचुरल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल, फोर्स्ड और मिक्स्ड। ठीक है, बोलो आंसर में लगा दूं, लेमाउंट बॉयलर, लेमाउंट बॉयलर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लेमाउंट बॉयलर। राइट, गूगल कर लो फिर आंसर देना है ना, यहां पर नहीं कि जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर दे दो, पहले गूगल करेंगे ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया सर, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस दिख रहा है मेरे लाल, जल्दी जल्दी आंसर दो। कोई आंसर नहीं दे रहा मेरे कंजूसों, इसका करेक्ट आंसर बेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर होता है। बेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें वाटर सर्कुलेशन के लिए तुम्हें कोई फोर्सेस वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं, इसमें वाटर सर्कुलेशन के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों का, नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में जो हीट है वो हाई टू लो फ्लो करती है, और उसकी वजह से जो तुम्हारा सर्कुलेशन है वाटर का वो हाई टेम्परेचर वाला ऊपर जाएगा, लो टेम्परेचर वाला नीचे आएगा, और उसी सर्कुलेशन से तुम्हारा वाटर हीट होता रहता है। ठीक है, चलो, लो स्पीड डीजल साइकिल आया था सर, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बन गए ना, मतलब जो मैंने क्वेश्चन करवाए उससे कुछ फील हो रहा था कि जो सर ने क्वेश्चन कराए, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। राइट, बताना रजते वाली बात। ओके, अगला क्वेश्चन है दैट डैश इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ द डीजल फ्यूल। ये तो ऐसा हलवा क्वेश्चन है, हर कोई आंसर बता देगा। गाइज याद रखिएगा, एंटी नॉक वैल्यू के लिए अगर आपका पेट्रोल है तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर का। किसका यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर का। और अगर आप लोगों की डीजल साइकिल है, राइट, तो डीजल के लिए आप किसका यूज करते हो, सीटेन नंबर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, सीटेन नंबर का, याद रखिएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सीटेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट स्पेसिफिक एनर्जी डैश एट द क्रिटिकल डेप्थ फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल इज। ओए होए 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 होए, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। राइट, आधे से ज्यादा लोग को हवा ना लगे ऐसा क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा। स्पेसिफिक एनर्जी इज डैश एट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द गिवन डिस्चार्ज इन द चैनल, स्पेसिफिक एनर्जी। राइट, हाँ हाँ, बोलो ए बोलो, दिलीप भाई, रवि भाई, तुम भी ए बोलो, बताओ। और सिंह साहब क्या हाल चाल, एकदम मस्त किया सर आपने, लास्ट 15 डेज में 60-70% रिलेटेड था पेपर आपके सेशन से, क्या बात है यार। मतलब फाइनली फील आ रहा था ना कि यार क्वेश्चन को किस लेवल पे सेट करना है, अगर वैसे क्वेश्चन लगाओ तो फायदे होते हैं। राइट, बहुत बढ़िया रजत, प्राउड ऑफ यू ब्रदर, प्राउड ऑफ यू। ओके, बस ऐसी ही मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी सिलेक्शन पाओगे, पक्की बात है। ए के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर है जीरो, एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली। तो ऑप्शन नंबर ए पर चले जाइएगा और लगा दीजिएगा तारो, लिख लीजिएगा घनघोर, गलत है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, इसका करेक्ट आंसर मिनिमम है मेरे लाल, क्या है, मिनिमम है। अब क्वेश्चन को देखो, ग्राफ बना दिए उसके बाद भी नकल नहीं कर पा रहे हो, हैं,
क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिक एनर्जी इज डैश एट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द गिवन डिस्चार्ज इन द चैनल. स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम पे यहाँ पर ये स्पेसिफिक एनर्जी दिख रही है, ये डेप्थ दिख रहा है. यहाँ पर आपको क्रिटिकल डेप्थ कहाँ पर दिख रही है, इस जगह पे दिख रही है. इस जगह पे आप लोगों को स्पेसिफिक एनर्जी क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है. स्पेसिफिक एनर्जी जीरो होगी तुम्हारी इस पॉइंट पे या फिर इस वाली लाइन पे, ये तो है ही नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम होगा, ऑप्शन नंबर बी. डायग्राम बना करके दिखा दिए तो भी नहीं समझ पा रहे, सब दिख रहा है डेप्थ और ये सारी चीजें, राइट. चलो अगला क्वेश्चन देखो. कह रहा है ना स्टीम नोजल हीट सप्लाइड टू स्ट्रीम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस इक्वल्स. ये तो आंसर सिंपल है, ये तो ऐसे ही लगा दोगे, ऐसे चुटकियों में आंसर लगा दोगे, कोई नहीं है, राइट. हाँ बताओ, हम चीटिंग नहीं किए थे सर जी, दिलीप रहन दो, ठीक है. तुम चीटिंग करते भी नहीं जब तक आंसर आ गया था सबका, सबको देखा अच्छा ये दे रहे हैं, ये लगा देते हैं सर, है ना. जब सब ने बोला है तो वो क्या बोलते हैं यार, कौन बने करोड़पति में होता है, जनता का जवाब क्या बोल, ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल ने ए बोला है तो हम भी ए के तरफ जाएंगे. ऑप्शन नंबर ए, ये देखो फिर से ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं अखिलेश गुप्ता जी, है वाह. ऑप्शन नंबर ए, हाँ याकूब ऑप्शन नंबर ए सही है, रजत ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, डी डी के साथ जाना चाहूंगा. बाकी और किसी के साथ जाना चाहोगे, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑडियंस पोल है भाई साहब, तब तो जीतना बनता है. ओके तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, राइट. बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है आप लोगों ने, उफ आप लोग ही भारी रकम जीतते जीतते रह गए. ऑप्शन नंबर सी वर्क डन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, हीट ड्रॉप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जीरो. अब सुनो इसको देखना, जो बात ये बोल रहा है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है स्ट्रीम नोजल, नोजल का काम है, राइट. अब नोजल के केस में अगर तुम्हें पता हो तो हम सिर्फ वेलोसिटी और एंथैल्पी कंसीडर करते हैं, यू टेल मी, राइट. वेलोसिटी और एंथैल्पी कंसीडर करते हैं. अब नोजल का केस को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, राइट. अभी इन्होंने कुछ बोला था, अभी आप लोगों ने बोला कि रजत जी आपने तो बोला था कि हमने फ्री एक्सपेंशन याद आ गया था, तो यहां पे भी तो लिखा है नोजल है और नोजल के बाद ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस पे जो हीट सप्लाइड है वो क्या हो जाता है, जीरो ही तो हो जाता है. एक्सपेंशन में कौन हीट सप्लाई करता है रे, है ऐसा कौन है जो एक्सपेंशन प्रोसेस में हीट सप्लाई करता है, कोई नहीं, ना वर्क डन ना हीट ड्रॉप ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज जीरो, राइट. क्लियर हुआ, कहाँ यार कहाँ बड़े चक्कर, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, इतनी सारी चीजें करवाऊंगा, तुम लोगों का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा. बस तुम लोगों को डेली सेशन में आना है, मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स बना लेना, तैयारी ऐसी करना, सिलेक्शन तो झक मार के होगा. बस जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो कर लो, ठीक है. चलो सुबीर एक बात बता, मैंने क्या गलत बोला, यहाँ पर सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ नोट करवा दिया कि देखो ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, तुम बोले अरे हाँ यही तो है, राइट. चलो अगला क्वेश्चन देखो. कह रहे द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज, ओए होए 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 होए. अब इसका आंसर तो सिंपल दे ही दोगे, है ना, इतने टफ दो तीन क्वेश्चन करने के बाद एक सिंपल तो बनता है सर, यही अलग लेवल है. रियाज बिल्कुल इस लेवल पे तैयारी करो ना कि मजा आ जाए, राइट. तुम्हें फील आए कि यार इस सेशन से कुछ नया सीखने मिलता है, है ना. देख के भी आंसर सही नहीं हुआ, चीटिंग करने नहीं आता हमको, कोई बात नहीं. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने बोला ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहूंगा. रविराज ए के साथ जा रहे हैं, डरते हुए जा रहे हैं, इमोजीज बता रही हैं, हाय राम ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इतना डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है. तो आप लोगों ने गए आज सेशन का पहला पड़ाव पूरा कर लिया है, राइट, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है. इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और उसके बाद चलिए आइए चलते हैं हम हमारे सेशन के दूसरे पड़ाव पर. टिनिनिंग अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. कह रहा था टेक्निक यूजेस वर क्या, अच्छा टेक्निक यूजेस वर पार्टिकल्स एनालिसिस यूजिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर द प्रिडिक्टिंग द इम्पेंडिंग फेलियर्स ऑफ मशीन कॉम्पोनेंट्स आर. बोलो अब देखो दूसरे पड़ाव पे आए हो,
दूसरा पड़ाव थोड़ा सा टफ होगा भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था, पहला पड़ाव क्लियर हो चुका है, दूसरा पड़ाव आ चुका है, अब बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही, वही स्टूडेंट बता पाएंगे जिन्होंने पढ़ा है। राइट, दिलीप कह रहा 7 करोड़ से जी, पहले पड़ाव में 7 करोड़ है ना, तो पता चला अंतिम पड़ाव तक आते आते तो 700 करोड़ कर दोगे तुम अपनी फीस। डी लग रहा है, स्पेक्ट्रोग्राफी। हाँ सही है भाई, ये क्या हवा नहीं लग रही ना, यही तो है भाई साहब जलवे। दूसरे पड़ाव पे आओगे तो मैं थोड़ा तो वो होगा। राइट, चलो ओके बताओ आसिफ, इसका आंसर दे दो पहले। अनुज कह रहे लेट ज्वाइन किया, ये अनुज डायरेक्टली दूसरे पड़ाव पे आया है, बाउंसर हो गया। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, इनवलप एनालिसिस, वेव फॉर्म एनालिसिस। ओके गाइज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेरोग्राफी। राइट, जिसमें दूर दूर तक सब लोगों ने सी भी दे दिया आंसर, डी भी दे दिया आंसर, ए भी दे दिया, बी किसी ने टच भी नहीं करा था। राइट, फेरोग्राफी क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फेरोग्राफी टेक्निक यूजेस वो द पार्टिकल्स एनालिसिस यूजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर प्रिडिक्टिंग द इम्पेंडिंग फेलियर्स ऑफ द मशीन कंपोनेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सिंपली टर्म्स में बता देता हूँ, तो शायद आप लोग समझ पाओगे। राइट, नहीं समझ में आया आपको बता देता हूँ। कोई कुछ बोलेगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। राइट, ये कठिन लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन इसका सिंपल सा लैंग्वेज में तुम लोगों को बताऊंगा, तुम कहोगे अरे यार क्या है सर जी ये। राइट, तुम्हें मजा आ जाएगा। ओके गाइस सुनो, आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने जब सर्विसिंग करवाई है तो सर्विसिंग कराते समय मैकेनिक ने बोला है भैया आपका जो इंजन ऑयल है काला हो गया है, बदला लो नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है, कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है, जब आप लोग ये वाली बात सुनो कि भैया इंजन ऑयल काला हो गया है, देखो बिल्कुल खराब हो गया इंजन ऑयल। राइट, बदला लो नहीं इंजन खराब हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। राइट, बड़े ज्ञान चिपका देते हैं। स्क्रीनशॉट ले दो, अरे अभी लेने देता हूं, ये लो, रो मैं भी खड़ा हो जाता हूं थोड़ा सा, मत शेयर कर देना। राइट, ये लो, बढ़िया है ना, रुको बाल भी सेट कर लेता हूं। हां अब ठीक है पगलू राम, क्वेश्चन पे ध्यान दे दे। राइट, किया है, बस वही तो लिखा है, कह रहा है एक टेक्निक है जहां पर पार्टिकल्स एनालिसिस, पार्टिकल एनालिसिस किसकी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की, फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट, इंपेंडिंग फेलियर जो आगे हो सकता है, किसका, मशीन कंपोनेंट का। राइट, इंजन ऑयल को चेक करके बता दो कि भैया इंजन ऑयल खराब होने लग गया, मतलब तुम्हारा मशीन कंपोनेंट खराब हो सकता है, दैट इज नोन एज व्हाट, फेरोग्राफी। बस एज सिंपल एज दैट। राइट, समझ आया, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मजा आया हो क्वेश्चन में, तो गुलाबी दिल के साथ लाइक जबरदस्त तरीके से होना चाहिए भैया सेशन में, ठीक है। ओके चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रीम इन रैंकिन साइकिल इज एज्यूम्ड टू बी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फेरोग्राफी मीन्स, भाई यही तो मतलब है उसका, जब तुम हद यार, अब ये पूछ रहा है मीनिंग तुम गूगल में देख लेना, है ना, अब हिंदी मीनिंग थोड़ी ना समझाऊंगा, ठीक है। आरएसी वीडियोस फुल सिलेबस अपलोडेड है यूट्यूब पर क्या, नहीं कदर, देखो फुल सिलेबस तो तुम्हें पेड सेशंस में ही मिलेंगे, देयर विल बी सम लिमिटेशंस। राइट, वो चैनल की ही लिमिटेशन हो जाती है। सभी ऑप्शंस को समझा दीजिए, सभी ऑप्शंस को समझा दूं, चलो समझा देता हूं। राइट, ओके समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलो गाइस, इसमें से वेव फॉर्म एनालिसिस कहाँ पर यूज होती है, देखो वेव फॉर्म एनालिसिस कहने का मतलब हो जाता है जब तुम लिक्विड्स में बात करते हो। अब लिक्विड्स में क्या होता है, तुम लोगों को पता है बहुत सारे लिक्विड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं थिन लिक्विड और थिक लिक्विड के बारे में बात करूं, तो वहां पर थिकनेस को तुम किस तरीके से देख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वेव। राइट, जो बहुत पतला पानी होता है, पानी में वेव बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन अगर पानी की थिकनेस बढ़ा दो तो वहां पर वेव्स कम बनने लग जाती,
जाती है, तुम उसके बेसिस में बना सकते हो, राइट। स्पेक्ट्रोग्राफी होता है जब तुम ऑन द बेसिस ऑफ कलर देखते हो, स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम में तुम विबग्योर्स वगैरह देखते हो, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स में जब तुम एनालिसिस करते हो, राइट, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, काइंड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारी एनवेलप एनालिसिस में होती है, काइंड ऑफ जो तुम बोलते हो, राइट, ठीक है, चलो। It's a kind of, not exactly. The degree of the reaction of a turbine is defined as the ratio of dash drop to the total energy transfer. What will be the answer for this question? बताइए. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपकी प्लेलिस्ट में है क्या? अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बता दूं, आज जितने भी महापैक वाले स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज रात को 9:30 बजे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास शुरू हो रही है, क्लास मैं ही लेने वाला हूं, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना, राइट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसको भी सीखनी है बिल्कुल शुरुआत से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास, ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अंशित सिंह ऑप्शन नंबर बी, सुबीर सिंह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए, अखिलेश ऑप्शन नंबर बी, राइट, ओके, चलो मैं बता दूं यहां पर ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक एनर्जी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, इसका करेक्ट आंसर स्टैटिक प्रेशर है, राइट, स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टू टोटल एनर्जी ट्रांसफर इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ टर्बाइन, राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन डैश एज कंपेयर टू अ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑफ द सेम साइज विल हैव, बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोग दे देंगे, ओके अहमद, ओके, ठीक है सर, कौन से बैच में होगी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास होगी, राइट, जिसको भी पढ़ना है आ जाना, ओके। एंड गाइस जो भी स्टूडेंट है जो सच में एक्चुअली में जो मेहनत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सर एक डायरेक्शन में प्रॉपरली अच्छे से मेहनत करूं ताकि सिलेक्शन लेकर के करियर प्रॉपर सेट हो सके, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि तुम लोग महापैक में जा सकते हो, अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, आज एक्सटेंड हो गया था बट मतलब पता नहीं कैसे हो गया था, मुझे लग रहा है गलती से हो गया था, ठीक है, तो वह एक्सटेंडेड है आज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे और रहेगा, तो अगर अभी तक तुम लोगों ने इनरोल नहीं किया है देन आई विल रिकमेंड यू कि अभी कर देना, क्योंकि डबल वैलिडिटी है, देखो प्राइस हाइक हो चुका है, महंगे में सेम चीज़ खरीदने का कोई सेंस बनेगा नहीं, महापैक में इनरोल करो, एयरपोर्ट अथॉरिटी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास लो, JKSSB मेरा IC इंजन आज से शुरू हुआ है उसकी क्लास लो, और SSC में जो मेरे सेशन लग रहे हैं वो लग रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस चल रहा है उसकी क्लास लो, राइट, सारी चीज़ें आसिफ वो मे भी शायद IC के बाद पावर प्लांट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इंडियन इंडस्ट्रियल कराऊंगा, राइट, पावर प्लांट के बाद हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट प्रोड्यूसर्स मोर पावर। आज भी तुम लोगों को बता दूं जितने भी शिप्स वगैरह है ना, जितने भी हाई क्लास शिप्स वगैरह देखते हो ना, जो पानी के जहाज वगैरह होते हैं, जिन्हें क्रूज वगैरह बोलते हो, वो सारी चीज़ें टू स्ट्रोक इंजन पे आज भी चल रही हैं, क्योंकि पानी पे इंजन को चलाना थोड़ा टफ होता है, वहाँ पे पावर की ज़्यादा जरूरत होती है। गाइज अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, इन डैश प्रोसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इट्स लेंथ, राइट। इसका करेक्ट आंसर आप लोग दोगे कॉमेंट बॉक्स में, जितने भी सेशन को देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, राइट, गुलाबी दिल के साथ गई सभी लोग आंसर देना और बताना आज का सेशन कैसा लगा, कुछ नया सीखा, कितना नया सीखा, और पसंद कर रहे हो तुम लोग सेशन को नहीं। देखो गई तुम लोगों के कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं मेरे आगे के सेशन को बनाने के लिए, राइट, अगर मजा आ रहा है तो वो वाली चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट मैं उसमें उतनी एनर्जी लगा करके वो सारी चीजें और तुम लोगों के लिए बना पाऊं, ठीक है। और अगर कोई थ्योरेटिकली पोर्शन में स्ट्रॉन्ग करना चाहता अपना, देन गाइज बस 2-3 घंटे बचे हैं, महापैक में इनरोल कर लेना, राइट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ी हुई है, और जब भी कभी जाना तो कोड Y166 यूज करना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप लोग इसमें ये मेरा कोड है, राइट, तो अब मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मेरा कोड यूज करा है ना, ओके, चलो चलो। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड बहुत मजा आया आज मुझे सेशन में, बहुत कुछ तुम लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा सेशन हुआ, कमेंट बॉक्स में इसका रिपरकशन जरूर दिखाना गाइज, राइट, चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, सब बखैर।